अवैध कच्ची शराब के खिलाफ चलाए गए गरल अभियान के तहत सोमवार को एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में बेलीपार थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह की टीम एसआई शेर बहादुर यादव सहित मैं फोर्स द्वारा अवैध कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए ग्राम फरसही राप्ती नदी के किनारे से दो व्यक्ति प्रमोद निषाद पुत्र हरिराम निवासी खिरवनिया टोला घूर थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर और प्रदीप निषाद पुत्र छोटेलाल निवासी मंझरिया थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25-25 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया, जिन्हें धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, मोटरसाइकिल चाहिए वाला एक बेलीपार में सूचना मिली थी, जो कि आजकल अभियान चल रहा है शराब अवैध रूप से जो बिक्री हो रही है और बन रहा है इसके लिए, तो उसमें बेलीपार का फरसही जगह है जो कि नदी है, राप्ती नदी उसके किनारे है, वहीं पे सुबह से एम्बुस लगाए थे हम लोग। पता चला था कि यहाँ पे नदी से उस पार से नाव से लेके शराब बना बनाए लाके और पॉलीथीन में पैक करके बेचते हैं सब, उसमें दबिश दी गई, दोनों तरफ से घेराबंदी की गई थी और घेराबंदी के बाद दो अभियुक्त पकड़े गए हैं जिनके पास से 50 लीटर बरामद हुआ है शराब।